नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और यही कामना करती हूँ कि आप सभी सदैव व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें। दर्शकों, यदि आपने स्वप्न में खुद को गेहूँ साफ करते हुए देखा है तो हम इस वीडियो में आपको इस सपने का अर्थ साथ ही साथ आपको एक उपाय बताने वाले हैं, जो कि यदि आप यह स्वप्न देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको करना ही चाहिए। दर्शकों, स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में गेहूँ साफ करने का मतलब एक शुभ संकेत देने वाला स्वप्न होता है। यह स्वप्न बहुत ही भाग्यशाली व्यक्तियों को आता है, तो यदि आपको यह स्वप्न आता है तो निश्चित रूप से आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। दर्शकों, इस सपने को देखने का अर्थ होता है कि आपके आने वाले दिनों में आपके जीवन में जो भी मुसीबतें हैं वो दूर होने वाली हैं। इतना ही नहीं, आपको जीवन में सुख चैन सब मिलेगा और आप नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। तो कुल मिला के यदि आप यह स्वप्न देखते हैं तो निश्चित रूप से यह स्वप्न आपके लिए एक शुभ संकेत देने वाला स्वप्न माना जाएगा। दर्शकों, अगर आप यह स्वप्न रात के 12 से 2 बजे के बीच में देखते हैं तो इस सपने का फल आपको 3 महीने के भीतर प्राप्त होगा। वहीं अगर आप यह स्वप्न 2 से 4 बजे के बीच में देखेंगे तो इस सपने का फल आपको 1 महीने के भीतर प्राप्त होगा, और यही स्वप्न आप 4 से 6 बजे के बीच में देखेंगे तो सपने का फल आपको 1 हफ्ते के भीतर ही प्राप्त हो जाएगा। दर्शकों, अगर आप ऐसे शुभ स्वप्न देखते हैं तो उपाय स्वरूप आपको इस सपने को किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को बताना चाहिए कि आपने यह स्वप्न देखा है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों से आप इस सपने को शेयर करेंगे उतना ही जो उसका शुभ परिणाम है वह कम हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि आप इस सपने को किसी से भी शेयर ना करें, इस सपने को अपने तक ही सीमित रखें। दर्शकों, मैं आशा करती हूँ आपको यह स्वप्न की जानकारी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वहीं दर्शकों, अगर आप यह स्वप्न दोपहर को सोते समय या फिर शाम को सोते समय देखते हैं तो इस सपने का कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा, यह स्वप्न एक निरर्थक स्वप्न माना जाएगा। राधे राधे दर्शकों, आप सभी का मंगल हो। आप सभी सदैव ही हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा।